नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका फ्रेंड सीपी गुप्ता एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाय वन बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उन्हीं में एक्सटेंड करते करते हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। सबसे पहले सबसे बेसिक प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 10 माइक्रो कूलम चार्ज से अपने को 2 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। लेकिन ध्यान दो, यहाँ x है, ये x बोल लो चाहे, तो r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 × 10⁻²⁻² मीटर। एम के एस में रखना है सब, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹, ठीक है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एंड सी क्यू, चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, और यहाँ सी जो होता है ना सेंटी, इसका मतलब होता है 10⁻²। ठीक है, ये वैल्यू इसमें रख दो तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ क्यू की जगह 10 × 10⁻⁶ अपॉन 2 × 10⁻²। और आंसर के हमेशा याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसकी यूनिट जरूर लिखें, वोल्ट में आंसर आएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर वन बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा अच्छा, ये चार्ज है शब्द यहाँ है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक। ये 1.0 है, ये 2.0 है, ये 4.0 है। तो अपने को इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, क्या, हाँ, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। बेसिक प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है। देखो, इस पे निकालना है तो पहले इसकी वजह से निकाल लो, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से। तो क्या होगा भैया, VO होगा V1 V2 V3 ... V∞। V1 फर्स्ट की वजह से KQ, डिस्टेंस कितना 1, सेकंड की वजह से KQ, डिस्टेंस 2, थर्ड की वजह से फिर अगली डिस्टेंस होती KQ अपॉन 8, और इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता। क्या कॉमन आ जाता है यहाँ से, KQ 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ... ……∞। क्लियर, तो यहाँ से KQ इन्फिनिटी सीरीज का सम आता है, S इन्फिनिटी का सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज, ये होता है A अपॉन 1 - R। व्हाट इज A, A होता है फर्स्ट टर्म। A क्या है भैया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, और R होता है नेक्स्ट टर्म अपॉन उससे पहले वाली प्रीवियस टर्म। तो देखो, A फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 1, तो A तो हो गया 1। R इससे नेक्स्ट टर्म अपॉन इसकी प्रीवियस टर्म 1, तो R की वैल्यू कितनी है 1/2। ये वैल्यू रख दो तो ये हो गया KQ A अपॉन 1 - R। इस पूरे का जो सम होगा ना वो ये होगा A अपॉन, तो इसकी जगह A अपॉन 1 - R रख दिया, KQ A की वैल्यू 1 - 1/2। सॉल्व कर लेंगे, ये पोटेंशियल आ गया। ये क्वेश्चन नंबर टू इन्फिनिटी सीरीज का प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है भाई, ए चार्ज कैपिटल क्यू मूव फ्रॉम 70 टू 90 वोल्ट, 70 वोल्ट टू 90 वोल्ट पोटेंशियल, देन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज इफ द चार्ज इनिशियली इन रेस्ट। ए चार्ज क्यू मूव फ्रॉम 70 वोल्ट टू 90 वोल्ट पोटेंशियल, 70 वोल्ट से 90 वोल्ट के पोटेंशियल तक चला गया, देन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज इफ द चार्ज इनिशियली इन रेस्ट। अगर चार्ज इनिशियली किस में है, रेस्ट में है, तो इसकी फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और इसका स्पीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड यहां पे लिख लेते हैं ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वर्क डन निकाल लो और वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे कितना वोल्ट है 70 वोल्ट, ये चार्ज इधर चला गया, यहाँ पे कितना वोल्ट हो गया 90 वोल्ट, तो ये चार्ज क्यों यहाँ से यहाँ आया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, चार्ज क्यू है, डीवी कितना 90 माइनस 70 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी 20 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 क्यू, सही है भाई। और दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दें, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम से डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि चार्ज इनिशियली रेस्ट में, इज इक्वल टू वर्क डन 20 क्यू। तो भैया यहाँ पे बोल देंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 क्यू, या बोल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 क्यू अपॉन एम, और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 40 क्यू अपॉन एम, और ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये चार्ज क्यू मूव फ्रॉम 70 वोल्ट टू 90 वोल्ट पोटेंशियल, देन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, देन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज इफ द चार्ज इनिशियली इन रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड, तो स्पीड भी अपनी कैलकुलेट हो गई। तो ये सिंपल प्रॉब्लम, अभी अपन और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियल पे। जैसे ये गिवन है v इज इक्वल टू 3x² देन फाइंड आउट द क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है माइनस डीवी अपॉन डीआर। अच्छा यहाँ ये आर की टर्म में कि एक्स की टर्म में, एक्स की टर्म में, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, सिंपल। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स, भैया आर भी डिस्टेंस है एक्स भी डिस्टेंस है, तो आर की जगह आप एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे 3x² डिफरेंशिएशन सबको करना आता है 3 × 2 दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर लोगे पोटेंशियल आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दोगे पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलो एक एग्जांपल और ले लें, ये एक ट्रायंगल है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज, इसके सेंटर पॉइंट ओ है, ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, ये भी है, इसके सेंटर पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है,
वॉट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल के सेंटर पर यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो इसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा, एक इसकी वजह से भी होगा और एक इसकी वजह से भी होगा। इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, लेट सपोज ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस भी x होगी और ये डिस्टेंस भी x होगी, सही है ना। सबसे पहले तीनों के वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं वन, इसको बोलते हैं टू, इसको बोलते हैं थ्री। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वी वन के क्यू अपॉन एक्स, वी टू के क्यू अपॉन एक्स, वी थ्री के क्यू अपॉन एक्स। एक्स एक्स लेट करने से थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, थ्री के क्यू अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। अब अपने को x निकालना है, ये x कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा तो ये x निकल सकता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, क्लियर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिर कितनी हो जाएगी, ए वाई टू, क्लियर। ठीक, ये हाफ एंगल हो जाएगा, अगर 60 है तो सेंटर 30 हो जाएगा। तो देखिएगा ये ट्राइंगल ऐसा बन गया क्या, ये ए वाई टू, ये 30 डिग्री और ये एक्स, निकल सकता है। कोस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन वन, क्लियर। ये कॉस 30 इज इक्वल टू ए अपॉन टू इंटू एक्स अपॉन वन, ये टू कॉस 30 इज इक्वल टू, टू को इधर ले गए ए एक्स, टू कॉस 30 का वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स, टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स क्या आया रूट थ्री अपॉन, ठीक है भाई। ये 30 डिग्री कैसे हुआ, ये टोटल एंगल होता 60 का, क्यों, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा, तो बस 30 डिग्री का हो गया, तो कैलकुलेट कर लिया और आंसर आ गया अपना। तो अपने को हर क्वेश्चन की टेक्निक और ट्रिक समझनी है, उसको रटना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो कि पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एम्स में प्रॉब्लम पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप 100% गलत करोगे, अगला वाला देखो कैसे। क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज v इज इक्वल टू वन अपॉन आर, v इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, v इज इक्वल टू वन अपॉन आर की पावर थ्री, v इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट आर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर, तो v इज इक्वल टू वन अपॉन आर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो सर आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला ही है पोटेंशियल का फॉर्मूला, उसने पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फॉर्मूला होता था केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये था डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला ये होता है बच्चों।
तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड, फर्स्ट नहीं है। तो बच्चा यही गलती करता है, वो इस फॉर्मूले को याद कर लेता है, v इक्वल टू k अपॉन r। भैया ये पॉइंट चार्ज के लिए है ना, ये चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है kq अपॉन r। और जब डाइपोल के लिए यूज करते हैं ना, तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू kp cos theta अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे v जो है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डाइपोल दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, पहले भी मैं कुछ क्वेश्चंस इस पे करवा चुका हूँ, तो बाकी प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। और आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।